हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, 12th चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 12.2 का 9th क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसमें बोला है कि ब्रूच इज मेड, ब्रूच होता है एक पिन होती है, जैसे होता है ना कई बार कपड़ों वगैरह पर कहीं पर लगाते हैं, तो उसके ऊपर की डिज़ाइन है ये। ठीक है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, एक ऐसा है, इस टाइप की डिज़ाइन बनाई हमने। ठीक है, ये सर्कल बना दिया है उस सिल्वर वायर से। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 diameter। अच्छा, इसके जो डायमीटर है ये भी किससे बने हैं, वायर से बने हैं, मतलब इधर भी वायर लगाया, चारों तरफ भी वायर लगाए। द वायर इज यूज, ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 equal sectors। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये बनाए ना ऐसे, तो इसके 10 टुकड़े हो गए बराबर बराबर। बोला है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये हमें पता करना है कि ये कैसे कितना कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक ब्रूच बना लेते हैं। ऐसा है, ये 1, ये 2, फिर ये 3, 4, 5। थोड़ा इवन नहीं बना लेकिन यहीं पर है सेंटर। ठीक है, इसी को सेंटर मानते हैं हम। फिर बोला है इसकी, देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, डायमीटर, एक तो डायमीटर बोला है, डायमीटर 35 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 35 mm/2। ठीक है, ये रेडियस होगी, इसको है ना डिवाइड वगैरह मत करना। देखो आपको ना सॉल्यूशन देखने के साथ साथ ये भी देखना है कि अप्रोच कैसी होती है, कैलकुलेशन की कैसे की जाती है, कैसे कैलकुलेशन से बचा जाता है। ठीक है, तो वो भी एक स्मार्ट तरीका है। तो इसको ये कट करने वाला अभी मत करना, हो सकता है कि 2 कहीं और जगह से कट जाए, तो अभी इसको रहने दो। अभी आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बोला है कि अच्छा 10 equal parts कर दिए, तो देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हम घूमेंगे ना, तो आपको पता है कितना एंगल बनेगा, पूरा का पूरा 360 degree बनेगा पूरा का पूरा। लेकिन इसके 10 टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पर एक एक टुकड़े के पास में कितना आएगा, 360/10। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, थीटा, तो 0 से 0 कट गया, तो थीटा कितना बच गया, 36 degree। ठीक है, 360 degree के यहाँ पे 10 टुकड़े हो गए, तो हर एक एंगल कितना बचेगा फिर, फाइनली 36 degree का बचेगा। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर बोला है फाइंड दी टोटल लेंथ, पूरी लेंथ पता करनी, तो आपको पता वायर कहाँ कहाँ लगा है, एक तो चारों तरफ वायर लगा है और सारे डायमीटर्स वायर के हैं। तो पहले तो सर्कमफेरेंस पता कर लेते हैं इसकी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, 2 × π कितना है, पाई कितना ले, 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि देखो ये 7 की टेबल वाला है ना, तो 22/7 लो। आर कितने लेनी, 35/2। ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पर 7 इस 35 को काटेगा 5 times, देखो ये 2 कट गया आराम से, 2 यहाँ इस 2 से कट गया, तो 22 × 5, तो 22 5 जा कितना होता है, 110, ये mm, ये mm में आ गया। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस मतलब चारों साइड की लेंथ आ गई। अब हमें ना ये वाली लेंथ भी पता करनी है कि ये डायमीटर्स कितने हैं, तो लेंथ ऑफ ऑल 5 diameters, तो 5 × कितना आएगा, 22/7। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से करते हैं, 5 × diameter की लेंथ कितनी है, 2r, तो 5 × diameter बोला भी कितना है, 35। ठीक है, तो 5 × ये कितना बनेगा, 35 5 जा कितना होगा, 35 5 जा हो जाएगा 175 mm। ठीक है, एक की लेंथ 35 है, तो 35 35 35 35, टोटल 5 बार 35 आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया, 175 mm। अब टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू 110 + 175, तो ये कितना हो गया, 285 mm। ठीक है, अभी ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यहाँ पर हर एक सेक्टर का एरिया भी पता करना है। तो देखो एरिया, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 × π r². थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा हर एक का सेम ही है, इसका 36 degree है, सबका 36 degree ही है। ठीक है, सारी इक्वल पार्ट्स है,
तो कितना आ गया यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई की वैल्यू हुई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना ले यहाँ पे, आर ले लेते हैं 35/2, ठीक है इसको सोल्व मत करना। अब यहाँ पे 35/2 ये आ गया, 36 इसको काटेगा तो बस 0 बचेगा, मतलब 10 बचेगा, 7 उसको कट कर देगा तो 5 बच जाएगा, ये 5 वापस 10 को काटेगा तो 2 बच जाएगा, ये 2 22 को काटेगा तो 11 बच गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर क्या क्या बचा है, यहाँ पे 11 बचा है, यहाँ पे 35, तो 11 इंटू 35 डिवाइड बाई नीचे 2 इंटू 2 4 बच गया। तो इसको ऊपर सोल्व करेंगे तो कितना आया, 385/4 mm स्क्वायर। ये हर एक का एरिया आ गया, फिर हर एक सेक्टर का एरिया आ गया। अब इसके आगे देखो भाई, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो आप चाहो तो कर भी सकते हो, वरना रहने भी दे सकते हो, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल सही है, मार्क्स नहीं कटेंगे इसके आगे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें कहा गया है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखो भाई ये अम्ब्रेला है ना, इसके ऊपर से देख रहे हैं, वो ना ऊपर से देख रहे हैं, छत से देख रहे हैं, तो ऊपर से हमें इस टाइप का दिखाई देगा, ये रिब्स मतलब जो वायर लगे होते हैं ना, जो एकदम टाइट होते हैं, जो अम्ब्रेला को टाइट रखते हैं वो है। तो हमें हर एक का ये है रिब्स ये वाली, तो हमें हर एक का ना एरिया पता करना है, तो ये हर एक दिख कैसा रहा, अभी सेक्टर जैसा दिख रहा है, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, तो सेक्टर का एरिया डायग्राम बनाते हैं, इसका थीटा वगैरह पता करना होगा इसमें। ये अम्ब्रेला ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा, और इस टाइप से इसकी रिब्स बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसके कितने टुकड़े हुए, 8, तो डिवाइड बाय 8, एक टुकड़े का एंगल आ जाएगा, ये कितना होगा, इसको कट करेंगे तो ये थीटा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 45 डिग्री, ठीक है। 360 के 8 टुकड़े करेंगे तो हर एक एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर रेडियस, रेडियस भी कुछ बोला है ना, रेडियस कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एरिया पता करना है, अब एरिया दो लगातार जो रिब्स आएगी, मतलब ये उसके बाद में ये, इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब एक सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री, 45/360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7 पुट कर सकते हो, आर, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर, 45 डिवाइड बाय, अच्छा 45 ही है डायरेक्ट, इधर भी 45 ये बन गया, ये 45 इसको कट करेगा 8 टाइम्स, क्योंकि इधर 8 कट कर 38 ने 360 को कट किया तो 45 आया था, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, और कुछ कट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है कि ये इसको, ये इसे कट करेंगे 2 से तो 4 बच जाएगा, यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 11 बच जाएगा। तो ऊपर फाइनली क्या क्या बचा, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई नीचे 4 इंटू 7, ठीक है 4 इंटू 7 ये बच गया। अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 45 इंटू 45, इधर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ मैं आपको, 45 मल्टीप्लाई बाई 45, तो यहाँ पर आप वो एक ट्रिक है वो भी लगा सकते हो, देखो यहाँ पे 5 और 5 है ना, ये सेम है, ठीक है, मतलब इन दोनों का सम 10 हो रहा है, तो आप 5 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा, 25। अब आगे वाले इस ट्रिक के लिए ना, इस ट्रिक लगाने के लिए आगे वाले नंबर सेम होने चाहिए, 4 और 4 सेम है, तो 4 और इस 4 को एक बढ़ा दो, मतलब 5 बना दो, 4 5 20, ऐसे 20 ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। बाकी जब भी आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये चीज़ें छोटी छोटी बताता रहूँगा। अभी बढ़ते हैं, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 2025। अब ये जो 2025 आया, 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2025 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे 2025, इसको एक बार थोड़ा आगे खिसका के लिख लो, तो 2025 ये कितना आ गया, 5, इसे 7 आ गया, और यहाँ पे 222 आ गया, ऊपर कितना बचा, 22275 अपॉन नीचे 7 4 28 एरिया है, अच्छा यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, इसने बोला है कि ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है, एक ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और एंगल देखो इस टाइप से है, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, जैसे ये गाड़ी का मिरर वो हो गया, शीशा हो गया, यहाँ पर यहाँ से ना यहाँ से इस टाइप से ये जो एक 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 इधर लगा है एक इधर लगा है, ठीक है, ये दोनों घूम फिर के मतलब यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब ऐसे साफ करते 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 ये यहाँ पे इतना साफ करेगा, ये एक दूसरे ओवरलैप नहीं होते, मतलब दूर दूर है और ये वाला इधर घूमता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल कितना बनाते हैं 115 डिग्री का, 115 डिग्री का और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस बोल रहा है 25 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, ये आर की वैल्यू है, थीटा कितना है यहाँ पर 115 डिग्री है थीटा, तो हमें ना एक 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 बार में कितना एरिया साफ कर देंगे, तो देख एक तो ये अपना एरिया साफ करेगा, ये अपना एरिया साफ करेगा, तो दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे या फिर किसी एक का निकाल के टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको शेप दिख कैसे रही है, अभी एक सेक्टर जैसा दिख रहा ना ये, ठीक है, सेगमेंट तो नहीं है, सेक्टर दिख रहा है ये, तो सेक्टर का एरिया लगाएंगे फॉर्मूला और उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ए की सेक्टर का एरिया निकाल लें, कितना होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पुट कर देते चीज़ें, थीटा कितना है हर एक बार, हर एक जो होगा वो वाइपर वो 115 डिग्री चलेगा, 115 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय ऊपर आर स्क्वायर, रेडियस कितना 25, तो 25 × 25 ऐसे लिख लिया, जो कट होता है उसको कट कर दो, 5 से कट करेंगे इसको तो कितना बचेगा इधर 23, ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 23 बचेगा, इसको 5 से कट करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 7, फिर देन यहाँ पर कितना बचा 7 और 72 बच गया यहाँ पर, ठीक है, अभी इससे भी कट कर लेते हैं, ये 22 तो 11 जा और 22 इसको कट करेगा 2 तो इसका आधा हो जाएगा 36 हो गया, ठीक है, ये बचा और कोई कैंसिल होता नहीं, 23 11 25 28 कोई नहीं होता, बस अब इसको मल्टीप्लाई करना बचा है, क्या क्या बचेगा, अब इधर ऊपर बचा 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर 625, नीचे 36 इंटू 7 ये बचे हैं लोग, इनको बस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखो 11 आसान है, 11 को बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले 625 और 23 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 625 और 23, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, जब आपको पता चल रहा है तो डायरेक्ट ही लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 25 तो 50, फिर 26 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ गया, सोल्व किया तो कितना बना यहाँ पर, यहाँ पे 5, फिर ये 7, 8 और 5 13, 1 4 और ये हो गया 1, ठीक है, ये बचा, अब इसको अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ये आंसर आ गया, अभी 11 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो अब 11 में क्या करते हैं कि इस नंबर को आगे खिसका के लिख दो, तो 1 4 3 7 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है, अभी इसको ऐड कर लो सीधा सीधा, 5 का 5 आ गया, 5 और 7 12, 12 का 2 आ गया, फिर 1 बच गया तो 11 फिर 1 8 5 1 ये बचा टोटल, ऊपर आया 158125 डिवाइड बाय, नीचे 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 7 6 जा 42 का 2 आ गया, ठीक है, 42 का 2 आ गया, बचा 4, 7 3 जा 21 और 4 25, ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना, अब इसको देखो ये आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक छोड़ोगे तब भी ठीक है, तो यही अपना आंसर हो गया, जो भी इसका सेंटीमीटर में गिवन था तो इसका यूनिट क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर अगले बचे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।